नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सीकेआर किचन में। तो आइए आज बनाते हैं हम चाट। चाट तो सभी को बहुत ही पसंद होती है, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हेल्दी चाट बनाएंगे हम। तो आज बनाएंगे हम सूजी बेसन ढोकला चाट, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे नए वीडियो का। तो फिर आइए ढोकला चाट बनाना शुरू करते हैं। तो एक बाउल सूजी है, बारीक वाली सूजी आपको लेनी है। अगर आपके पास मोटी है तो मिक्सी में चला के उसे बारीक कर लें। और उतना ही हमने ले लिया है बेसन, और उतना ही आप ले लें दही। हल्का सा खट्टा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं लें। ज़्यादा खट्टा लेंगे तो फिर जो खम्मन है उसका टेस्ट खट्टा खट्टा आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तो मूंगफली का ऑयल ही इसमें आप डालें, सरसों का बिल्कुल भी ना डालें। मूंगफली का 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे हम नमक, और 1/4 चम्मच डाल देते हैं हल्दी ताकि खमण का जो कलर है वो अच्छा सा येलो आए। अब एक बार इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लम्स फ्री आपको इसका घोल बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें। एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर आपको गुठलियों को मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक बार गाढ़ा रखें और अच्छे से उसको मिक्स कर लें, अच्छे से फेंट लें ताकि सारी गुठलियाँ इसमें ख़त्म हो जाएं, और फिर आप उसको बैलेंस कर लें जितना आपको पतला करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके का पतला घोल हमको बनाना है, क्योंकि हम इसको 20 मिनट का तो रेस्ट देंगे तो सूजी भी इसमें पानी सोखेगी। और घोल अगर हमारा काफ़ी गाढ़ा होगा तो फिर जो खमन है वो आपका एकदम हार्ड बनेगा, वो गले को लगेगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो 20 मिनट का हमने इसको रेस्ट दे दिया था घोलने के बाद में, और अब इसको 5 मिनट थोड़ा सा हम लगातार इसको ब्लाइंड करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे ताकि एकदम हल्का हो जाए डो। अभी हमने ले लिया है खमन वाली जो ट्रे है, हम इसको खमन मेकर में बना रहे हैं तो ये उसकी ट्रे है। उसको आप थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लें चारों तरफ से ताकि जो ढोकला है वो निकालने में ईजी रहेगा। और पानी चढ़ा देंगे हम गैस पर उबलने के लिए। पानी हमारा उबल चुका है तो अब हम डालेंगे इसमें इनो। पानी उबलने के बाद में ही आपको इनो डालना है, इनो मिला के रखेंगे नहीं वरना फिर जो ढोकला है वो आपका फूलेगा नहीं। और इनो डालते ही उसको तुरंत मिक्स करके और हम डाल देंगे प्लेट में। बहुत देर तक नहीं चलाना है वरना इसके जो एयर बबल्स है वो बैठ जाएंगे तो फिर आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा ढोकला। और इनो आपको लेमन फ्लेवर का लेना है या फिर विदाउट फ्लेवर वाला लेना है। तो ये पानी उबल चुका है तो ट्रे हमने डाल दिया है खमन मेकर में और उसमें हम डाल देंगे ये घोल। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ढोकला। अब इसको ढक देते हैं और हाई फ्लेम पर इसको हम कम से कम 12 से 13 मिनट पकने देंगे। ढोकले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। तो ये देखिए 10 मिनट बाद में हम इसको चेक करते हैं, तो नाइफ से चेक करें, सेंटर में हम नाइफ लगा के देखेंगे तो देखिए हल्का सा लगा है, यानी कि थोड़ी सी इसमें कसर है। तो 5 मिनट और पका लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद में हम देखेंगे तो खमन ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए नाइफ पर नहीं लग रहा है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं कुकर से, और इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट इसको ठंडा करें और फिर आप इसको कटिंग करें, क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी थी, दूसरा कोई ज़रूरी काम करना था तो मैंने इसको तुरंत ही कटिंग कर लिया था। तो फिर ये आपका अच्छे से गर्म गर्म होगा तो फिर ये अच्छे से शेप में नहीं कटेगा, तो इसको ठंडा आप ज़रूर कर लें। तो मैंने इसको बिल्कुल तुरंत ही गर्म गर्म काट लिया है। तो देखिए ये हल्के से इसमें क्रैक आ रहे हैं और नाइफ पर भी लग रहा है, और एकदम प्रॉपर शेप नहीं आता है गरम गरम अगर हम कटिंग करते हैं तो। देखिए बिल्कुल भाप निकल रही है, बिल्कुल मैंने तुरंत ही इसको कटिंग कर लिया था। तो बस इसके पीसेस हम काट लेंगे। आप चाहें तो इस ट्रे से इसके ऊपर एक प्लेट रखें और इसको दूसरी प्लेट में इसको ट्रांसफर करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है खमन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मूंगफली का,
इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे और राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब डाल देते हैं 1 चम्मच तिल, 1 हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई और कुछ कड़ी पत्ता, फ्रेश करी पत्ते हैं। इनको हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी, तो इसमें आप लगभग 1 ग्लास तक भी पानी डाल सकते हैं। तो जितना अच्छे से आप तड़के वाला पानी खमन में डालेंगे उतना ही खमन आपका सॉफ्ट बनेगा, गले में खाते वक्त बिल्कुल भी लगेगा नहीं। तो अब 1 चम्मच चीनी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको एक बार उबाल आने देंगे हम तड़के में। ये देखिए उबाल आ गया, गैस बंद कर देते हैं और अब इस खमन पर हम ये सारा 1-1 चम्मच करके इसमें हम डाल देंगे। तो पूरे खमन पर फैला दें ये 1-1 चम्मच करके। तो ये पूरा तड़के वाला पानी हम इस ढोकला पर डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से तड़के वाला पानी सोख ले। इससे खमन बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हो जाएगा। और खाते वक्त बिल्कुल भी आपको ड्राई महसूस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल हमारा खमन, अगर आप प्लेन खाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इसको सर्व कर लें, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ। लेकिन अब हम बनाएंगे ढोकला चाट। तो ये हरी चटनी ली है मैंने, हरे धनिए वाली हरी चटनी है जो, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है दोनों चटनी, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप दोनों चटनियों का वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज हैं और नायलॉन सेव जो होती है बारीक वाली चाट में डालने वाली, वो मैंने ली है। थोड़ा सा हरा धनिया भी ले लेंगे। तो ये देखिए ये खमन हमने ट्रे से हम निकाल के सर्व करते हैं चाट बनाने के लिए। तो देखिए एकदम बहुत ही सॉफ्ट बना है, सूजी का यूज़ किया है, तो एकदम दानेदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। बस गरम गरम हमने जो जल्दबाजी करी थी ढोकला को काटने में, तो शेप में थोड़ा सा 19-20 है लेकिन खाने में बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट बना था। तो सबसे पहले डाल देंगे हम ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अब डाल देते हैं ये हरी चटनी। तो एक बार ये ढोकला चाट बना के ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली में सबको बहुत ही पसंद आएगी। और गर्मियां हैं तो फिर इस तरीके से हल्की फुल्की अगर हम चाट बना के खाएं तो ये हेल्दी भी है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया है। और चाट तो बच्चों से बड़ों बूढ़ों सभी को बहुत ही पसंद आती है, तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई करें एक बार। अब डाल देते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज। और अब डाल देते हैं ये नायलॉन सेव। आप चाहें तो इसके ऊपर अनार के दाने भी डाल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए। और फ्रेश बारीक कटे हुए हरे धनिए से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए ये आपकी झटपट हेल्दी और टेस्टी ढोकला चाट बनके रेडी है। तो ये बहुत ही शानदार इजीली बनने वाली ढोकला चाट आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें वीडियो को ताकि और भी लोग इस तरीके से रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। अक्सर हम इस तरह की चाट वगैरह बाहर जाके खाना पसंद करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से आप घर में बना के खाएं आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ हैवी खा लिया है या कुछ हमने चटपटा सा खा लिया है। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एकदम लाइट फील होगा और एकदम अच्छा लगेगा कि आज हमने कुछ डिफरेंट चटपटा खाया।